सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइज, सलार मूवी की रिलीजिंग में भाई साहब अब सिर्फ 7 ही दिन बचे हैं। एंड 7 दिन के बाद फाइनली सलार मूवी रिलीज हो जाएगी। एंड भाई साहब, आप में से काफ़ी सारे लोग के मन में ये डाउट होगा कि सलार मूवी को यार स्क्रीन से कितनी मिलने वाली है, क्योंकि डंकी मूवी के साथ इसका क्लैश भी है। तो अब मूवी को कितनी स्क्रीन पर रिलीज किया जाने का प्लान चल रहा है, कितनी स्क्रीन से इसको मिलने वाली है इंडिया में और ओवरसीज में, एंड वर्ल्ड वाइड में कितनी स्क्रीन्स पर सलार मूवी रिलीज होने वाली है, सारा कुछ गाइस आज के इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन बताने से पहले प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर हम बात कर ले सलार मूवी की इंडिया की स्क्रीन काउंट के बारे में कि इंडिया में कितनी स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है सलार मूवी, एंड गाइस ये ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सलार और डंकी का भाई साहब क्लेश है, तो ये स्क्रीन से कम ज्यादा होगी। मतलब कि अभी मैं जितना आपको बताऊंगा भाई साहब, क्या पता वो आगे जाकर कम हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी तक भाई साहब जो इंडिया का स्क्रीन काउंट सलार मूवी का निकल कर आ रहा है गाइस, वो है ऑल ओवर इंडिया का, मतलब नॉर्थ साउथ सभी मिलाकर ऑल ओवर इंडिया का है 6200। जी हाँ गाइस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, 6200 स्क्रीन पर भाई साहब इंडिया में रिलीज होने वाली है सलार मूवी, जो कि अभी तक की रिपोर्ट है। एंड ओवरसीज की अगर बात कर ले कि ओवरसीज में भाई साहब कैसे, मतलब कितनी स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है, तो गाइज ओवरसीज की तो स्क्रीन काउंट मुझे काफ़ी ज़्यादा कम लगी यार, क्योंकि सलार मूवी की हाइप एक अलग लेवल पर है, क्रेज एक अलग लेवल पर है, तो इसको ज़्यादा मिलनी चाहिए थी। लेकिन भाई साहब उधर SRK की पॉपुलरिटी ज़्यादा है, इसलिए उधर SRK की मूवी यानी कि डंकी को ज़्यादा स्क्रीन मिलने वाली है। लेकिन भाई साहब अगर बात करें कि कितनी मिल रही है सलार मूवी को ओवरसीज के अंदर, मतलब स्क्रीन काउंट क्या निकल कर आ रहा है, तो गाइस 1200 स्क्रीन्स। जी हाँ गाइस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, मतलब आप भी गाइस शॉक्ड हो गए होंगे कि यार 1200 स्क्रीन्स ओवरसीज में सलार मूवी को, जिस मूवी का इतना क्रेज है। तो गाइस देखो यार, डंकी मूवी का भी क्रेज काफी ज्यादा है, मतलब डंकी मूवी छोटी मोटी मूवी नहीं है भाई, इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा ये क्लेश है। और SRK की भाई साहब काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग एंड काफी ज्यादा भाई उनका क्रेज भी है ओवरसीज में डंकी मूवी का, एंड क्लासिक मूवी खासकर भाई ओवरसीज में काफी ज्यादा पसंद की जाती है, इस वजह से भाई साहब डंकी को ज्यादा स्क्रीन से ओवरसीज के अंदर मिलने वाली है। लेकिन 1200 स्क्रीन से भाई साहब सलार मूवी को मिलने वाली है। अब ये स्क्रीन काउंट गाइस बढ़ भी सकता है, मैं अभी के हिसाब से ही आपको बता रहा हूं, जैसी रिपोर्ट से निकल कर आ रही है, जैसे ही भाई साहब अभी मूवी की रिलीजिंग में दिन बचेंगे ना, बिल्कुल 1-2 दिन बचेंगे, तब ये स्क्रीन काउंट भाई साहब बढ़ेगा भी और घटेगा भी, मतलब काफी ज्यादा आगे पीछे होने वाला है। अगर टोटल में बात कर लूं गाइस कि यहां पर टोटल वर्ल्ड वाइड में कितनी स्क्रीन पर सलार मूवी रिलीज होने वाली है, तो यहां पर गाइस लगभग आप मान सकते हो 7500 स्क्रीन। जी हां गाइस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, 7500 स्क्रीन पर वर्ल्ड वाइड में सलार मूवी रिलीज होने वाली है। एंड भाई साहब ये स्क्रीन काउंट और कम भी हो सकता है या फिर थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी SRK अपने मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के साथ सारी मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में भाई साहब अच्छे से मतलब वो मीटिंग करेंगे, उसके बाद ये स्क्रीन काउंट जो मैंने आपको बताया है वो कम भी हो सकता है। ये स्क्रीन काउंट भाई साहब काफी ज्यादा स्क्रीन से इसमें से डंकी मूवी के पास भी जा सकती है, क्योंकि अभी SRK मीटिंग करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर लोगों के साथ, तो देखते भाई साहब अभी क्या होता है। लेकिन अभी तक भाई साहब जो रिपोर्ट से निकल कर आ रही है वो है 7500 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है सलार मूवी वर्ल्ड वाइड में, और मुझे तो भाई साहब कम लग रही है। लेकिन भाई साहब देखो क्लेश भी है, तो क्लेश है तो जाहिर सी बात है कि दोनों मूवीज को स्क्रीन से कम ही मिलेगी, मतलब कि आधी आधी स्क्रीन से बढ़ जाएगी। और हाँ गाइस, किसी को भी ज्यादा कमती स्क्रीन से नहीं मिलने वाली है इंडिया के अंदर, तो क्योंकि सलार मूवी के मेकर्स ने भाई इंटरव्यू में बोल दिया है कि डंकी को भाई साहब जितनी, मतलब दोनों मूवीज को, डंकी और सलार को दोनों को 50-50% स्क्रीन मिलनी चाहिए, तो ये काफी अच्छी बात की है भाई साहब सलार मूवी के मेकर्स ने। दिल कुछ हो गई भाई साहब बात, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर डंकी मूवी को ज्यादा स्क्रीन से मिल जाती तो भाई साहब सलार वाले फिर बोलते कि यार डंकी मूवी को ज्यादा स्क्रीन से मिली है, वरना अगर सलार को ज्यादा मिल जाती तो भाई डंकी वाले बोलते कि सलार मूवी को ज्यादा स्क्रीन से मिल चुकी है। लेकिन गाइज अब 50-50 मामला हो जाएगा ना, ना तो फैन वॉर होगी ना कोई कंट्रोवर्सी होगी, तो ये काफी ज्यादा सही किया मेकर्स ने, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, 50-50 भाई साहब बराबर का रहेगा दोनों का।
होगा, तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी बात है। तो देखो गाइज, अभी तक तो कुछ ये अपडेट से निकल कर आ रही है सलार मूवी की स्क्रीन काउंट को लेकर। एंड गाइज देखो, क्लेश के बाद ये स्क्रीन काउंट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर 7500 स्क्रीन से भाई साहब छोटी मोटी बात नहीं है भाई। मूवीज की जो सिंगल रिलीज होती है ना मूवी, सोलो रिलीज भाई साहब, उसकी भी इतनी ज़्यादा स्क्रीन काउंट निकल कर नहीं आती है, लेकिन सलार की और डंकी की तो फिर भी इतनी ज़्यादा निकल कर आ रही है। एंड अगर क्लेश नहीं होता ना, तो सलार मूवी अकेली भाई साहब 10,000 से प्लस ही स्क्रीन पर रिलीज होने वाली थी। लेकिन ठीक है भाई साहब, अभी क्लेश है, लेकिन फिर भी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्क्रीन पर सलार मूवी रिलीज होने वाली है। और जैसा कि मैंने आपको गाइस बताया कि जो मैं ये स्क्रीन काउंट आपको अभी बता रहा हूँ, ये कम भी हो सकता है, क्योंकि अभी मूवी की रिलीजिंग में वैसा एक दो दिन बचने दो, उसके बाद देखना गाइस दोनों ही मूवी का मतलब कि मामला अलग अलग हो जाएगा। अभी जैसे मैंने 7500 बताया, ये 7200 या 7000 स्क्रीन पर भी जा सकता है, या फिर 8000, मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो आगे पीछे मामला हो जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ ये रिपोर्ट से निकल कर आ रही है भाई साहब सलार मूवी की स्क्रीन काउंट को लेकर वर्ल्ड वाइड की, जो कि 7500 स्क्रीन है। तो गाइज उम्मीद करूंगा आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो भाई साहब कर दो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।